नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उसमें अगला चैप्टर नंबर 6 नाम उसका चैप्टर का अनुपात एवं समानुपात। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, आपको 5 ही मिनट में करवा दूंगा। अनुपात रेडियस जो भी आपका है, अनुपात चल रहा है वो, कि अनुपात वह संख्या जो जैसे दो सहजातीय राशियां हैं उनके बीच में जो संबंध बताती है, यानी कि जिससे पता चलता है कि ये राशि उससे कितनी दुगुनी है और ये कितना बढ़ रहा था ये कितना बढ़ रहा है, उसके अनुसार ये अनुपात कहलाता है। जैसे आपके पास ए और बी है, मान लो कोई दो राशियां हैं जो अशून्य राशियां हैं, तो उनके अनुपात को हम निरूपित करेंगे कि ए अनुपात बी, जो कि ये ऐसे यानी इस हिसाब से बढ़ते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पे ए का मान मैं कह दूँ 5 और बी का मान कह दूँ 2, तो वो क्या है भाई, 5:2 में बढ़ रहा है। यानी कि आप इसको सीधा बटा में लिखोगे तो हमेशा लिखना ऊपर वाला यहाँ पे आएगा, नीचे वाला उसके बाद वा आएगा। तो 5/2 किसी भी कोई भी कह दे कि उसको 5/2 अनुपात में विभाजित किया हुआ, ऐसी संख्या है तो उसको वापस अनुपात में लिखना है, तो पहले हमेशा ऊपर वाली लिखना है, बाद में ये लिखना है। ऐसे नहीं कि 5 को ये लिख रहा है तो अपन इसको जब अनुपात में लिखेंगे तो 2:5 लिख देंगे, नहीं, ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, अनुपात तो समझ आ गया। अब जो है समानुपात, और कुछ नहीं है, बस यही तो है अनुपात, और क्या था। और जैसे जैसे बढ़ाना है, जितना जितना बढ़ाओ दोनों को 10 की ओर गुणा करो तो अनुपात बढ़ता जाएगा, घटाओ 10-10 का भाग दे दो दोनों में, बस। अब समानुपात, चलो ये थोड़ा सा समझने के है कि जब दो समान अनुपातों में समानुपात बनता है, यदि इस प्रकार, यदि कि क्या कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात ए, तो आपके लिए जो समानुपाती होगा सी अनुपात ये, तो आपके जो समानुपाती होगा वो होगा ए बी सी और डी में समानुपात कहलाएगा, यानी कि यहाँ पे डी है सॉरी। अब जब आपके दो अनुपात अगर वो बराबर हो तो वो समानुपात कहलाता है, सीधा सीधा समानुपात यही है। और जब ये आपको निकालना है ये समानुपात का चिन्ह, अगर बाहर वाला गुणा करके अंदर वाला गुणा कर दें तो आ जाएगा मान, किसी एक का मान वो पूछ सकता है कि ये सब समानुपात में है, तो इनका मान एक का ये है तो इनका में से कोई बताओ, तो इनका गुणा होता है बराबर, इनका गुणा होता है। अब यहाँ एक का मान रख दो, इधर आया है तो नीचे ही आए, तो डी का मान निकालना है तो बी सी बटे ए, बस ये करना है आपको जब भी ऐसे कहे तो। और एक ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी, जब भी आपको ऐसे कहे तो सीधा सीधा उनका मान क्या होता है बराबर में, तो ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर है डी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे चल रहा है। इनका कहने का मतलब ये है, तो ये इनका कहने का मतलब हम ऐसे निकालेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन आपको सिंपली यही निकालना है अभी तक। और यदि कह दे कि वो ए बी सी वितत समानुपात में हो, तो आपके पास क्या आएगा भाई, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो आपको बी को ए और सी का क्या मानना है, मध्य अनुपाती, बी और सी का जो मध्य अनुपाती है मेन वो है बी। तो आपको अपन क्या कहेंगे इसका निकालने के लिए कि ए सी बराबर होता है बी स्क्वायर। जब भी आपको दो सेम दे दे और फिर आपको पूछे कि इसका मान बताओ ए का सी का, तो आपको बी स्क्वायर इंटू ए सी करना है, ये सीधा सीधा आपका जो वित्तीय समानुपात है वो उसका मान आ जाएगा फॉर्मूला। ये आपका हो गया समानुपात और अनुपात। क्वेश्चन भी आएंगे जब बड़े बड़े, और वो भी क्वेश्चन बताऊंगा, आप इतना सही नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।